दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं यूट्यूब वीडियो से। अगर आप एक यूट्यूबर है, आप यूट्यूब चैनल में आपका वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें कॉपीराइट क्लेम आने के बाद वो वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिव नहीं होता है, तो आपको मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिव करने के लिए वो जो कॉपीराइट क्लेम है वीडियो में, तो उसको हटाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कॉपीराइट क्लेम कैसे हटा सकते हैं A to Z, वो भी मोबाइल की थ्रू। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है। उसके बाद इसमें सर्च करना है youtube.com। सो youtube.com सर्च करने के बाद आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ऐसे यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन कर लेना है आपका ईमेल आईडी से। मेरा लॉगिन है इसलिए इस तरह से आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप मोड करना है। इसके लिए आपको ऊपर में 3 डॉट मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन आता है, इसमें आपको क्लिक करना है। सो दोस्तों, ये डेस्कटॉप मोड होने के बाद आपको क्या करना है, आपका इसमें जो यूट्यूब चैनल का लोगो है, इसमें आपको क्लिक करना है। फॉर यूट्यूब स्टूडियो के लिए आपको ये लोगो में क्लिक करने के बाद आपको इसमें मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो का एक ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा प्रेस मिलेगा, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कॉपीराइट क्लेम कितना आया, कॉपीराइट स्ट्राइक कितना आया, एवरीथिंग आप देख सकते हैं। आपका ऑल मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं आपका यूट्यूब चैनल का। सो अभी आप देख सकते हैं आपका ऑल वीडियो जो अपलोड किया यूट्यूब में, इसके लिए आपको इसमें सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करना है, ये ऑप्शन में। इसमें क्लिक करने के बाद आपका जितना वीडियो अपलोड किया आप देख सकते हैं, इसमें कॉपीराइट किस किस वीडियो में है, किस किस वीडियो में नहीं है, वो भी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें विजिबिलिटी लिखा है, इसमें पब्लिक ग्रीन है। और आपको इसमें देखने के लिए मिलता है रेस्ट्रिक्शन का जो ऑप्शन है, इसका नीचे जो नॉन एंड कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन है, जो वीडियो में नॉन है ये कोई इफेक्ट नहीं है, मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल है। और आपको जो कॉपीराइट क्लेम है इसको मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते आपका वीडियो, तो इसके लिए कॉपीराइट क्लेम हटाना पड़ता है। इसके लिए आपको कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें सी डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो इस तरह से देखने के लिए मिलता है प्रेस। इसमें देखिए, इसमें नॉन इफेक्ट मतलब वीडियो का कोई इफेक्ट नहीं है, पब्लिक अभी व्यू है, पब्लिक देख सकता है, लेकिन मोनेटाइजेशन नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे से स्क्रॉल कीजिए ऊपर। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं ये वीडियो में 6 सेकेंड से 1 मिनट 1 सेकेंड तक कॉपीराइट क्लेम है, जो मेरा वीडियो में एक दूसरा सॉन्ग लगाया था वीडियो में। और इसमें आप देख सकते हैं कॉपीराइट ओनर्स का नेम भी है, जो म्यूजिक में लगाया था कॉपीराइट क्लेम आया उसका ओनर। तो मैं आपको सुना देता हूँ मेरा वीडियो में जो सॉन्ग है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये सॉन्ग हटा के आप कैसे कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं आपका वीडियो में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट एक्शन के ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें 3 ऑप्शन मिलता है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है ट्रिम आउट सेगमेंट, नेक्स्ट रिप्लेस सॉन्ग, देन म्यूट सॉन्ग। आप तीनों ऑप्शन से एक ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं आपका वीडियो में। आपको ये समझना है क्या ये 3 ऑप्शन का मतलब क्या है। ट्रिम आउट सेगमेंट का मतलब है आपका जो वीडियो है, जो पार्ट है कॉपीराइट क्लेम का, ये टोटली वीडियो से डिलीट हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे अगर आप ट्रिम आउट सेगमेंट करेंगे। अगर आप रिप्लेसमेंट सॉन्ग करते हैं तो आपको ऑडियो लाइब्रेरी मतलब यूट्यूब जो ऑडियो लाइब्रेरी का सॉन्ग है, जो म्यूजिक है, वो डाल सकते हैं आपका कॉपीराइट क्लेम जो सॉन्ग है उसको हटाने के लिए। और म्यूट सॉन्ग का जो ऑप्शन है इसको आप करेंगे तो आपका जो वीडियो है वीडियो रहेगा, लेकिन कॉपीराइट क्लेम का जो सॉन्ग है वो हट जाएंगे और जो वीडियो है वो साइलेंटली चलेगा, मतलब म्यूट मतलब साइलेंटली आपका वीडियो चालू होता है यूट्यूब में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें से आपको रिप्लेस सॉन्ग चॉइस करना है, क्योंकि आपका जो वीडियो है वीडियो भी रहेगा और ऑडियो लाइब्रेरी से एक सॉन्ग लगा के आपका जो क्लेम सॉन्ग है उसको हटा सकता है। तो इसके लिए आप रिप्लेसमेंट या तो रिप्लेस सॉन्ग लगा के आपका वीडियो को चालू कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये वीडियो में रिप्लेस करके आपको दिखा देता हूँ कैसे करता है। तो रिप्लेस में आपको क्लिक करना है।
तो रिप्लेस सॉन्ग में क्लिक करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें ऑडियो लाइब्रेरी का ऑल सॉन्ग मिलेगा आपको। इसमें से एक सॉन्ग लेके आप वीडियो में डाल सकते हैं, इसमें आप सुन भी सकते हैं इस तरह सा। तो मैं अभी आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ, तो ये सॉन्ग प्ले करके सुन लेता हूँ क्या होता है। और एक दूसरा सुन लेता हूँ अभी। मुझे तो मेरा हिसाब से पहला सॉन्ग अच्छा लगा, तो आप भी इस तरह से चॉइस कर सकते हैं। तो मैं पहला जो सॉन्ग है इसको ऐड करता हूँ। तो आपको इसमें ऐड का जो ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको क्लिक करना है। सो ऐड में क्लिक करने के बाद आपको ये प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपका जो वीडियो आता है इस साइड में, तो वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो में ऐड हुआ कि नहीं हुआ सॉन्ग इस तरह सा। ए लड़की लड़की बाबा लड़की तो अभी आप देख रहा है ये जो मेरा वीडियो है इसमें रिप्लेस हो गया सॉन्ग, मतलब जो सॉन्ग में चॉइस किया ये बज रहा है अभी। तो ये अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, रुकना है, उसके बाद आपको इसमें ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आता है जो सेव एंड कैंसिल का दो ऑप्शन है आता है। इसमें देखिए डिस्क्लेमर लिखा है, आपको ये डिस्क्लेमर रीड कर सकते हैं। इसमें लिखा है आपका जो सॉन्ग है इसको प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लगेगा सक्सेसफुल होने के लिए, तो आपको इसमें सेव में क्लिक करना है। सेव में क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो है, वीडियो में सॉन्ग रिप्लेस हो जाएंगे और आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाएंगे, वो भी एक घंटा या तो हाफ आवर्स के अंदर हो जाता है। तो अभी आप ये पेज से बैक होकर मेन पेज में जा सकता है। सो दोस्तों, अभी आप देख रहा है जो मेरा वीडियो है जो थंबनेल में कुत्ता है, ये वीडियो कॉपीराइट क्लेम है जो मैं अभी रिप्लेसमेंट किया था, रिप्लेस किया था सॉन्ग, तो थोड़ा बाद में ये हट जाएंगे और नॉन हो जाएंगे। सो दोस्तों, फाइनली मैं थोड़ा बाद में चेक किया और ये पेज में आया, ये देखिए जो कुत्ता का थंबनेल का वीडियो है ये नॉन हो गया, मतलब कॉपीराइट हट गया। इस तरह से आपका वीडियो में भी हट जाएंगे। सो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फैन के साथ शेयर कीजिए, एंड आपका मन में कुछ क्वेश्चन है तो इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।